गुड मॉर्निंग साथियों, आज बात करेंगे टेनिसन की दो मशहूर रचनाओं का समरी और उनसे इम्पोर्टेंट रिलेटेड दो लोटस ईटर्स। तो द लोटस ईटर क्या है? ये टेनिसन की एक मशहूर पोयम है। इट वॉज पब्लिश इन 1832, ये 1832 में पब्लिश हुई थी, बट इज इंक्लूडेड इन द 1842। 1832 में पब्लिश हुई थी, लेकिन इसको 1800 में किया गया था वॉल्यूम इन इट्स रिवाइज फॉर्म। इसकी रिवाइज फॉर्म में इसको 1842 में इंक्लूड किया गया था। इट इज बेस्ड ऑन होमर्स इपिक ओडिसी। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु पूछा जा सकता है या पूछा भी जाता है कभी कभी, जो लोटस ईटर्स है वो किस पर आधारित है? तो ये होमर के इपिक ओडिसी पर आधारित है। इट डील्स विद द इशूज रिलेटेड टू द एनवायरमेंट एंड एस्केप एंड इनएक्टिविटी एंड इडलनेस। तो इट डील्स या डील करती है किसी इश्यूज उन मुद्दों से रिलेटेड टू एनवायरमेंट, जो एनवायरमेंट से सम्मिलित है, इस्केप एंड एक्टिविटी एंड इडलनेस। एक्टिविटी और इडलनेस है। यूलिसेज इज ए पोएम ऑफ एक्टिविटी। यूलिसेज क्या है? एक्टिविटी की पोएम है। माने क्या होता है कि तो इसमें जो होता है नायक है जो हमेशा कार्य में संलग्न रहना चाहता है। वाइल क्या है? जबकि लोटस ईटर्स इज ए पोएम ऑफ इनएक्टिविटी। तो ये ध्यान रखेंगे, एक्टिविटी की पोएम कौन है? जो लोटस ईटर्स है एक्टिविटी की पोएम है, और वो सॉरी यूलिसेज जो क्या है वो एक्टिविटी की पोएम है। अपोलॉजी थोड़ा उल्टा हो गया। तो यूलिसेज जो है पोएम ऑफ एक्टिविटी है, और लोटस ईटर्स क्या है? पोएम ऑफ इनएक्टिविटी है। इट इज ए लिरिकल मोनोलॉग। और सबसे बड़ी ध्यान रखेंगे कि इसका फॉर्म क्या है, जेनर क्या है? तो ड्रामेटिक मोनोलॉग है, विच कन्वेज द लैंगुरस मूड ऑफ द सेलर्स कंपेनियन ऑफ यूलिसेज। यूलिसेज के साथियों के नीरस या इनएक्टिव माइंड को दर्शाता है, लैंगुरस मूड को दर्शाता है। इट इज रिमार्क फॉर इट्स सीनिक डिस्क्रिप्शन। अपनी सीनिक डिस्क्रिप्शन के लिए मशहूर है। इट्स पिक्चोरियल क्वालिटी एंड म्यूजिकल क्वालिटी। आगे देखेंगे, यूलिसी कंपनी कंपेनियंस हैव ए डिजायर टू सेटल इन द लैंड ऑफ लोटस ईटर्स। तो यूलिसीज के साथी हैं वो युद्ध से जीवन के थक चुके हैं, और ट्रॉय के युद्ध से तो क्या कहते हैं, कहाँ रुकना चाहते हैं? लैंड ऑफ लोटस ईटर्स। दे वांट टू अवॉइड द लाइफ्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो जीवन की जिम्मेदारियां हैं वो उनसे दूर रहना चाहते हैं, उनसे बचना चाहते हैं। द पोएम इज रिटन इन स्पेंसेरियन स्टेज। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कैंडिडेट्स, आइदर दे बी पार्टिसिपेंट ऑफ टीजीटी और पीजीटी। तो स्पेंसेरियन स्टेंजा में लिखा गया है, इट इज इंस्पायर्ड बाई ए ट्रिप टू स्पेन विद हिज फ्रेंड आर्थर हालम। तो जब टेनिसन स्पेन गए थे अपने दोस्त हालम के साथ, उससे ये प्रेरित है। और इट्स हालम द पोएट प्रेजेंट्स द एंटीथेसिस बिटवीन लार्ट आर्ट एंड लाइफ। तो ये इसमें कभी क्या है, जीवन की कला और क्या कह सकते हैं, वहाँ एंटीथेसिस बिटवीन आर्ट एंड, तो क्या कह सकते हैं, कला और जीवन के बीच में एक एंटीथेसिस को प्रस्तुतिकरण करता है।